हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। कल तक आपने पढ़ा था आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मैंने बताया था सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला विधि में मैंने बताया था क्या बताया था कि जब एथिल एल्कोहल एसीटोन की अभिक्रिया NaOH के साथ या आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो क्या बनता है, आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। और फिर मैंने नेक्स्ट बताया था एसीटोन, और एसीटोन में आपको मैंने बताया क्या करना है कि एथिल एल्कोहल वाला स्टेप मिटा देना है, मतलब वो याद नहीं करना है। और सेम एसीटोन से भी आयोडोफॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। और कैसे बताया कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, आयोडीन के साथ, और क्या बनता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI और NaI, और ये क्या अणु निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है। और NaOI क्या करता है, आगे चल के एल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देता है, और जल का अणु बाहर निकलता है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसी को, इसका फिर क्या करते हैं, 3 मोल NaOI से फिर क्रिया करते हैं, 3 मोल NaOI से क्रिया करते हैं, क्या बनता है, Cl3C(OH), यदि H है और एसीटोन वाला है तो CH3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, क्षार के साथ रिएक्शन, किस क्षार से, जो पहले हमको NaOH प्राप्त हुआ था, NaOH क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो 1 मोल आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है, 1 मोल आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक गुण की बात करते हैं तो आप सभी को पता है आयोडोफॉर्म की जो सेम रिएक्शन है वो क्लोरोफॉर्म की तरह है, किसकी तरह है, क्लोरोफॉर्म की तरह, अर्थात आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन देते हैं वो सेम क्लोरोफॉर्म के समान देते हैं। कैसे देते हैं, क्लोरोफॉर्म के समान देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूं अपचयन, रासायनिक गुणों में सबसे पहला क्या है, अपचयन, क्या है, अपचयन। आयोडोफॉर्म क्या है, आयोडोफॉर्म का अपचयन किया जाए, क्या किया जाए, अपचयन, और किसकी उपस्थिति में करते हैं, किसकी उपस्थिति में, जिंक प्लस HCl, किसकी में, जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में किया जाता है। देखो तो यहां से क्या निकलेगा, ये HI और क्या हो गया, CH2 I2, क्या हो गया, ये जिंक प्लस HCl और CH2 I2, और जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन किया था तो CH2 Cl2, और यहां पर क्या निकलेगा, ये HI, और क्या नाम है, डाईआयोडो या डाईआयोडोमेथेन, क्या नाम है, डाईआयोडोमेथेन, या एक और नाम है मिथाइलिन आयोडाइड, ठीक है। सबसे पहले अपचयन, अपचयन में इसका अपचयन करते हैं जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में, जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में, तो HI का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या बनता है, CH2 I2 बनता है, क्या बनता है, CH2 I2 बनता है। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं किसकी, किसकी बात करता हूं, जल अपघटन की, किसकी, जल अपघटन की। तो पहला क्या हो गया, अपचयन, और दूसरा बात करता हूं मैं जल अपघटन की। देखो जल अपघटन में क्या होता है, सबसे पहले क्या है, जल अपघटन किसका, आयोडोफॉर्म का, किसका, आयोडोफॉर्म का। तो जल अपघटन में किसका निर्माण होता है, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। कैसे, क्लोरोफॉर्म में मैंने बताया था CH Cl Cl Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ की थी, KOH के साथ, किसके साथ, और यहाँ से KCl, यहाँ से KCl, और यहाँ से KCl, और CH OH OH, और ये क्या बाहर निकला,
जल का अणु क्या निकला और क्या बना था, फॉर्मिक अम्ल। ये भी सेम रिएक्शन ऐसी ही है, ये भी सेम रिएक्शन ऐसी ही है, वही KOH, यहाँ पर भी KOH करो जलपटन, तो किसका निर्माण होगा, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। और क्या बाहर निकलता है, तीन मॉलिक्यूल KCl के, किसके, पोटेशियम, वो सॉरी पोटेशियम आयोडाइड के, KI के, और एक मॉलिक्यूल किसका निकला, जल का। तो तीन मॉलिक्यूल KCl के, सॉरी KI के, किसके, KI के, और एक मॉलिक्यूल H2O का। KCl के तो इसमें निकलेंगे क्लोरोफॉर्म में, जो कि मैंने वहाँ पर यह कराई है, क्लोरोफॉर्म का जलपटन KOH के साथ कराएं, और यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल। और यहाँ से तीन मॉलिक्यूल किसके निकले थे, KCl के, एक दो और तीन, ये तीन मॉलिक्यूल KCl, एक मॉलिक्यूल जल का और एक फॉर्मिक अम्ल का, एक फॉर्मिक अम्ल का। तो आपको पता चल रहा है कि दोनों की जो रिएक्शन है वो क्या है, सेम है, दोनों की रिएक्शन सेम है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अपचैन, अपचैन पर क्लोरोफॉर्म में डाई क्लोरोमेथेन बनता है, लेकिन आयोडोफॉर्म में डाई आयोडोमेथेन बनता है। और यहाँ यदि बात करें जलपटन की, जलपटन में उसमें भी फॉर्मिक अम्ल बनता है, इसमें भी फॉर्मिक अम्ल बनता है। और जलपटन किसकी उपस्थिति में किया जाता है, KOH की उपस्थिति में किया जाता है। और नेक्स्ट मैंने बताई थी क्या, कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देते हैं, मैंने बताया था कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देते हैं, किसकी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन टेस्ट या कार्बिल एमीन परीक्षण। मैंने बताया था तीखी गंधयुक्त पदार्थ का निर्माण होता है, उसको कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इसके द्वारा प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक आयोडीन का परीक्षण, सॉरी प्राथमिक एमीन का परीक्षण किया जाता है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म की तरह यहाँ पर देखो, प्राथमिक एमीन की रिएक्शन किसकी रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की जगह आयोडोफॉर्म के साथ कराएं, किसके साथ, आयोडोफॉर्म के साथ, और किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। और क्या बाहर निकलता है, 3 KI, और 3 मॉलिक्यूल ही H2O के बाहर निकलते हैं। इसको समझने के लिए क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन देखें, कि मैंने बताया था देखो किस टाइप से, कि मान लो ये मैथिल एमीन है, क्या है, मैथिल एमीन, और ये क्या है, आयोडोफॉर्म, और किसकी रिएक्शन कराएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखो तीन मॉलिक्यूल तो KI के, किसके, KI के, तीन मॉलिक्यूल KI के। इधर देखो, यहां से 1H, दो यहां से 3H2O, कितने हाइड्रोजन, 6, तो 3H2O। और यहां देखिए CH3, इसके लोन पेयर हैं, ये बॉन्ड बनाएगा, साथ में एक उपसंयोजक बंध का भी निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, मैथिल आइसो साइनाइड का निर्माण होता है। और क्या निकलेगा, 3KI प्लस 3H2O। यहाँ पर तो मैथिल आइसोसाइनाइड है, ये फेनिल आइसोसाइनाइड भी देता है, क्यों, आपको पता है फेनिल आइसोसाइनाइड में एमीन कितने डिग्री का होता है, एमीन कितने डिग्री का एमीन है, ये कितने डिग्री एमीन है, ये जोर दो बोल, तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात ये करते हैं, मैंने क्लोरोफॉर्म में बताया था क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ कराते हैं। तो आपको पता होगा कि सिल्वर पाउडर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिलीन बनती है, क्या बनता है, एसिटिलीन बनती है। और जब आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ कराएं तो तब भी क्या बनेगी, एसिटिलीन ही बनेगी, क्या बनेगी, एसिटिलीन ही बनेगी। कैसे, देखो
नेक्स्ट है फोर्थ रिएक्शन है सिल्वर पाउडर या एजी के साथ, किसके साथ, एजी के साथ अभिक्रिया, एजी के साथ अभिक्रिया। और मैंने वहाँ पर कराया था ये कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एजी के साथ या सिल्वर पाउडर के साथ कराएंगे। तो यहाँ से क्या निकला था, वहाँ 6AgCl, और किसका निर्माण हुआ था, एसिटिलीन का, किसका, एसिटिलीन का। तो यहाँ क्या करना है आपको, सी को हटाना है, आयोडीन लगाना है, सी को करना है हटाना है, आयोडीन लगाना है। आयोडीन लगाएंगे तो क्या बन गया, ये आयोडोफॉर्म, क्या हो गया, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है, एसिटिलीन प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, एसिटिलीन प्राप्त होती है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म में सी लगाना है बस, तब भी एसिटिलीन मिलेगी, आयोडोफॉर्म की कराएंगे तब भी एसिटिलीन ही मिलेगी। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पीले रंग का AgI का, पीले रंग का क्या प्राप्त होता है, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, AgI का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म की, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। और क्लोरोफॉर्म में कैसा अवक्षेप प्राप्त हुआ था, श्वेत अवक्षेप, किसका, AgCl का, किसका, AgCl का। कैसे प्राप्त हुआ था, मैंने बताया था वहाँ कि सबसे पहले तो क्या होती है कि क्लोरोफॉर्म गैस वायु और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके जहरीली गैस फॉस्जीन बनाती है, और फॉस्जीन गैस के साथ साथ HCl भी बनता है, क्या बनता है, HCl। और HCl की अभिक्रिया फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई थी तो AgCl का अवक्षेप बना हुआ था। यहाँ पर बात करें आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बहुत ही रिएक्टिव होता है और तुरंत आयोडीन परिवर्तित हो जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके AgI का कैसा अवक्षेप देता है, पीला। तो ये आयोडोफॉर्म कैसा देता है, पीला। क्लोरोफॉर्म कैसा देता है, श्वेत अवक्षेप, कैसा देता है, श्वेत अवक्षेप। और वहाँ मैंने बताया था जो क्लोरोफॉर्म होता है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में उपयोग में नहीं ले सकते, तो उसका पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये AgCl का अवक्षेप देता है, AgCl का अवक्षेप देता है। यदि वो AgCl का अवक्षेप देता है तो उसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, और डाई एथिल कार्बोनेट विषैला, वो जो अभिसैला होता है या कैसा होता है, अभिषाक्त होता है, उसमें परिवर्तित किया जाता है, तब उसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले AG के साथ क्रिया कराएंगे, एसिटिलीन बनती है, और यहाँ पर फिर किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो AgI का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती हैं। अब इसके उपयोग हैं पूतिरोधी के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, पूतिरोधी और रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और भी कुछ उपयोग हैं, तुम्हारी बुक में से पढ़ लेना याद करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसी का नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या नाम है, टेट्राक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसका सामान्य नाम और होता है पायरीन। क्या नाम होता है, पायरीन। और सबसे पहले इसकी ब्रिचन की विधियां, बनाने की विधियां क्या हैं, CCl4 के बनाने की विधियां। तो CCl4 किस किस से बनाया जाता है, किस किस से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करा दें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आप सभी को पता है क्या बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या CCl4 का निर्माण होता है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या निकलेगा यहां से, HCl, क्या निकलेगा, और क्या बनेगा, CCl4। और इसी का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो मैथेन, और इसका एक सामान्य नाम है पायरीन। क्या नाम है, पायरीन।
और नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, ये तो पहली विधि हो गई आपकी, किससे? क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। किससे? क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। नेक्स्ट है कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाई सल्फाइड, और इसका भी क्या कर दें? क्लोरीनीकरण। क्या कर दें? क्लोरीनीकरण। तो देखिए क्या निकलेगा, H2Cl2, और क्या बनेगा? CCl4। क्या बनेगा और क्या बाहर निकला? H2Cl2। और इसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक H2O2, बुक शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी? बुक शेप। क्योंकि तुम इसको सोचते हैं सर HCl से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर देते, समान अनुपात है, तो इसकी स्ट्रक्चर स्टेबल करती है H2Cl2 के रूप में। वो क्या होती है? SSCl Cl, ये होती है H2Cl2, बुक शेप स्ट्रक्चर रहती है H2O2 के समान, H2O2 के समान, जिसके कारण H2Cl2 के रूप में, H2Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले किसका क्लोरीनीकरण? क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। और क्या बाहर निकलती है? HCl बाहर निकलती है। दूसरी कार्बन डाइसल्फाइड, यस 3Cl2 हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने खोल के लिखे हैं 3Cl2, ठीक है, क्योंकि 6 क्लोरीन है, 6 Cl है, तो यहाँ देखिए H2Cl2 बाहर क्या बना? CCl4। ये भी तो देखो भाई, CH2 3Cl2 किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की, वो सॉरी AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, दूसरा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन होता है? CCl4 का या कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बात करते हैं भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो होता है ये अज्वलनशील होता है CCl4, कैसा होता है? अज्वलनशील। और जब अज्वलनशील होता है और तो किसमें काम आता है? आग बुझाने में काम आता है। किसमें काम आता है? आग बुझाने के रूप में काम आता है। और आग बुझाने के रूप में काम में आने आता है, और इसका एक सामान्य नाम है पायरीन। क्या नाम है? पायरीन। इसके सामान्य नाम से भी पूछ सकता है कि CCl4 का सामान्य नाम क्या है? पायरीन। और इसका किस में उपयोग किया जाता है? आग बुझाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? आग बुझाने में किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं रासायनिक गुणों की, किसके? रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण आपको सभी को पता है, वही अपचयन। क्या है? अपचयन। तो अपचयन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? CCl4 का अपचयन कराएं तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले क्या है? रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। और रासायनिक गुण में सर्वप्रथम इसका रिडक्शन करा दें, अपचयन करा दें, किसका? CCl4 का। किसका? CCl4 का। किसकी प्रेजेंस में? Fe प्लस H2O की उपस्थिति में। तो यहां देखेंगे एक Cl और एक H, क्या बाहर निकलेगा? HCl। और क्या बनेगा? क्लोरो फॉर्म का निर्माण होता है। तो किसकी उपस्थिति में अपचयन कराया है? Fe और जल की वाष्प की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? Fe, आयरन और जल की वाष्प की उपस्थिति में इसका जब अपचयन कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ध्यान रखना, हमने आयोडोफॉर्म और उसका अपचयन कराया था, वो किसकी प्रेजेंस में? जिंक प्लस HCl। किसकी प्रेजेंस में? और डाई आयोडो डाई क्लोरोमेथेन का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पर अपचयन करा रहे हैं आयरन और जल वाष्प के रूप में। और किसका फॉर्मेशन होता है?
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन। क्या? जल अपघटन। और जल अपघटन पर क्या देता है? ये जहरीली गैस देता है। उस जहरीली गैस का क्या नाम है? आप सभी को पता है जहरीली गैस, आप सभी को पता है क्लोरोफॉर्म जब वायु के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है, उस जिस जहरीली गैस का निर्माण होता है उसी जहरीली गैस का यह निर्माण होता है। कैसे होता है? तो देखो CCl4 क्या है, इसका जल अपघटन करा दें। क्या करा दें? जल अपघटन करा दें। देखो क्या निकलेगा, 2HCl के मॉलिक्यूल। क्या निकलेगा? 2HCl के मॉलिक्यूल। और 2HCl के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो क्या बनेगा? देखो COCl2 फॉस्जीन। क्या बनेगा? CaCl2 फॉस्जीन। क्या बनेगी? फॉस्जीन। ध्यान रखना ये फॉस्जीन तो COCl2 होती है और फॉस्फीन PH3 होती है, दोनों विषैली होती है। ठीक है, दोनों विषैली होती हैं। ज़्यादा तो चेक करके तो खुद देखना क्या ज़्यादा कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपचैन किसकी? Fe+H2O की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरोफॉर्म का। और जल अपघटन करा दें। क्या करा दें? जल अपघटन। तो क्या प्राप्त होता है? फॉस्जीन। देखो आंशिक जल अपघटन कराते हैं क्लोरोफॉर्म किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में क्या बनती है? फॉस्जीन गैस बनती है। यदि इसका पूर्ण जल अपघटन कराएं, क्या कराएं? पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन पर क्या प्राप्त होगी? CO2। देखो क्या प्राप्त होगी, देखो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है और इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? पूर्ण जल अपघटन। तो देखो क्या निकला, 1 KCl, 2 मॉलिक्यूल KCl, 3 और 4, 3 और 4। और यहाँ देखेंगे 1 मॉलिक्यूल जल का, 2 मॉलिक्यूल जल के, और क्या निकला देखो, यहाँ से CO2, और इसकी बात करें देखो 2 मॉलिक्यूल जल के, कितने? 2 मॉलिक्यूल, और 4 मॉलिक्यूल किसके? KCl के, पोटेशियम क्लोराइड। तो आंशिक जल अपघटन पर तो फॉस्जीन गैस बनती है और पूर्ण जल अपघटन पर कौन सी गैस बनती है? क्या बनता है? CO2 गैस बनती है। क्या बनती है? CO2 गैस बनती है। तो रासायनिक गुण सबसे पहले हमने किया था अपचयन, दूसरा आंशिक जल अपघटन। और आंशिक जल अपघटन आपको पता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं या कितने केल्विन पर करते हैं? 775 केल्विन पर। और पूर्ण जल अपघटन KOH की उपस्थिति में किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? KOH। अब नेक्स्ट है 1,2-डाइक्लोरोएथीन से अभिक्रिया। 1,2-डाइक्लोरोएथीन से अभिक्रिया, तो नेक्स्ट रिएक्शन है 1,2-डाइक्लोरोएथीन से अभिक्रिया। देखो 1,2-डाइक्लोरोएथीन से अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के रूप में होती है। किसके रूप में? योगात्मक। सबसे पहले तो इधर देखेंगे 1,2-डाइक्लोरोएथीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CL। इसकी अभिक्रिया CCl4 के साथ कराते हैं। किसके साथ? CCl4 के साथ। तो देखिए मान लो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, किधर भी हो सकता है, दोनों सेम मोटी हैं तो इधर भी हो सकता है और इधर भी, इधर जाएगा नेगेटिव और ये CL पॉजिटिव। यदि इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर ना होकर के कहाँ ट्रांसफर हो जाए? इधर, तो इस नेगेटिव पर CL पॉजिटिव और इस पर ये। ठीक है, तो देखो क्या निर्माण होगा, CH या CL, CH CL
CCl3। इसका आपको IUPAC नाम बताना है। किसका IUPAC नाम क्या है किताब में मत देखे, देखो तो इसका IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी की संख्या ज़्यादा हो। तो इधर देखिए दो दो प्रतिस्थापी हैं, लेकिन इस कार्बन पर तीन तीन प्रतिस्थापी हैं। तो नंबर 1, 2, 3 और पहले कार्बन पर तीन तीन प्रतिस्थापी हैं, इनकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे। और पहले कार्बन कैसे करेंगे, 1, 1, 1। अब देखो 2 पर भी एक है 2, और 3 पर कितने हैं 3, 3। कितने हैं सेम 6, और 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, और Cl के लिए क्लोरो। कितने कार्बन 3, और 3 के लिए प्रोपेन। तो क्या नाम हो गया, 1, 1, 1, 2, 3, 3 हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। तो सबसे पहले देखो 1,2-डाइक्लोरोएथीन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराई, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। किसकी प्रेजेंट, शुष्क HClCl3 की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होता है, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 3 हेक्साक्लोरो प्रोपेन का निर्माण होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। राइमर टीमान एक तो मैंने करा दी, वो फॉर्मलीकरण अभिक्रिया थी, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पर CHO का क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या है, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। देखो मैंने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराई थी, राइमर टीमान फॉर्मलीकरण क्या बताई, राइमर टीमान फॉर्मलीकरण। और राइमर टीमान फॉर्मलीकरण अभिक्रिया में मैंने बताया था, जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में की जाती है, तो फिनोल की ऑर्थो पोजिशन पर CHO समूह या फॉर्मल समूह का क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है या प्रवेश कर जाता है। और क्या प्राप्त होता था वहाँ, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ बात करें राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण कैसी है, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण क्या है, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या है कि वही फिनोल क्या है, फिनोल, और इस फिनोल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, CCl4 के साथ, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, KOH की। देखो क्या निकला, और यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या निकला, क्या निकला, HCl। या फिर को इसको रिप्रेजेंट यू ना करके सबसे पहले यहीं से रिप्रेजेंट करो तुम। देखो आगे मैं KOH का जलपटल अलग से करा दूंगा, ये फिनोल और ये CCl CL और CL, ठीक है। अब इसका मैं जल अपघटन करा दूं KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो इधर देखो KOH, देखो क्या बना, और एक कार्बन पर दो या दो से अधिक OH अनस्टेबल क्या रहते हैं, अनस्टेबल है, अस्थाई। तो क्या बाहर निकलता है, जलकाणु बाहर निकलता है। और देखो जलकाणु बाहर निकल के क्या बनेगा, सैलिसैलिक, किसका निर्माण होगा, सैलिसैलिक अम्ल का निर्माण होगा, और साथ में क्या निकलेगा, जल का अणु। तो मैं एक साथ भी प्रदर्शित कर देता इसको कैसे, कि फिनोल की अभिक्रिया CCl4, फिनोल की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में या CCl4 के साथ KOH की उपस्थिति में की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, सैलिसैलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सैलिसैलिक अम्ल का निर्माण होता है। और क्या, 3 CL3 H2O का निष्कासन, 3H2 मत लिखना है, 3KCl, H2O एक मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम,
देखो दोबारा से कि मैंने आपको मैकेरेंज बताई थी वहां पर किसमें राइमर टीमान अभिक्रिया में फॉर्मलीकरण में, और यहां पर मैकेरेंज में ना बता करके मैंने सीधी बताई है। सबसे पहले तो आपको पता है कि फिनोल ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, ये तो क्या डायरेक्ट ट्रिक है, नहीं मैकेरेंज में इसकी अलग है कि यहां से एच और यहां से सीएल, और ये सी सी एल फोर में से एक एच सी एल का मॉलिक्यूल यहां से बाहर, और क्या निकल गया सी सी एल थ्री, क्या है सी सी एल थ्री, देखो हो गया सी सी एल थ्री। अब इसका जल अपटन कराएं, के ओ एच के ओ एच के ओ एच, देखो तीन तीन ओ एच, और मैंने बताया था एक कार्बन पर दो या दो से अधिक ओ एच अनस्टेबल रहते हैं तो क्या होता है जलकाणु बाहर निकलता है, क्या निकलता है बाहर निकलता है, और जलकाणु यहाँ से बाहर निकला तो क्या बना ये, क्या बना सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हुआ था, सैलिसिलिक अम्ल, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ध्यान रखना इनको, किसका निर्माण होता है सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो राइमर टीमान फॉर्मलीकरण अलग है, फॉर्मलीकरण तो किसकी प्रेजेंस में होती है क्लोरोफॉर्म की में, और कार्बोक्सिलीकरण इसलिए बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, और फॉर्मलीकरण इसलिए बोला था वहाँ फॉर्मल समूह जुड़ा था सी एच ओ समूह, क्या जुड़ा था सी एच ओ, और वहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था सैलिसिलिकाइड, और यहाँ का क्या प्राप्त हुआ है सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट रिएक्शन है एच एफ के साथ अभिक्रिया, किसके साथ एच एफ के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया, और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में की जाती है, और हैलोजन वाहक के रूप में यहाँ उपयोग करते हैं एस बी सी एल फाइव पेंटाक्लोरो या एंटीमनी पेंटा क्लोरो एस बी सी एल फाइव। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन में एच एफ के साथ रिएक्शन कराता हूँ, एच एफ के साथ रिएक्शन कराता हूँ, एच एफ के साथ रिएक्शन या एच एफ के साथ अभिक्रिया, एच एफ के साथ अभिक्रिया, देखो एच एफ के साथ सी सी एल टू सी एल सी एल, और ये क्या है एच एफ, और ये भी एच एफ, तो यहाँ से क्या निकला देखो किसकी उपस्थिति में एस बी सी एल फाइव एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड क्या बाहर निकला दो एस सी एल के मॉलिक्यूल, और फ्रियोन सी सी एल टू एफ टू का निर्माण होता है, और इस फ्रियोन का आपको नाम बताना है टेंथ क्लास से पढ़कर आना है, फ्रियोन का नाम कैसे लिखा जाता है, फ्रियोन का नाम कैसे लिखा जाता है, तो मैं बताऊँ फ्रियोन का नाम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले कार्बन एटम, फिर हाइड्रोजन एटम, फिर क्या है सी एल, क्या है सी एल, क्या है सी एल, कार्बन एटम में से एक कम किया जाता है तो यहाँ क्या है एक ही है, और एक में से एक घटाएंगे जीरो, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में एक जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है एक जोड़ा जाता है, और क्लोरीन अपना जितना है उतना ही लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन में से कार्बन में से एक घटाएंगे जीरो, क्या आएगा जीरो, हाइड्रोजन एक भी नहीं है एक जोड़ेंगे वन, और क्लोरीन दो है तो इसका नाम हो गया फ्रियोन, फ्रियोन वन टू, बारह मत बोलना इसको वन टू है, फ्रियोन वन टू। तो आपकी ये रिएक्शन क्या होती है कंप्लीट, और अब इसके उपयोग हैं आग बुझाने में काम आता है, निर्जल धुलाई में काम आता है, और टेप वर्म और हुकवर्म के रूप में काम आता है। टेप वर्म हुकवर्म क्या है, एक बीमारी है खुजली वगैरह जो होती है ना, फीता कृमि कहते हैं हम, जो गंदे जल और उससे गंदी मिट्टी से ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे जैसे नंगे पैरों से हमारी त्वचा में एंट्री कर जाता है, जैसे गंदा जल है या गंदी कोई मिट्टी है, और इससे फिर क्या है खुजली जैसी हो जाती है और हमारी आंतों को या शारीरिक इन्फेक्शन कर देता है, तो ये होता है टेप वर्म या हुकवर्म।